भाई बहुत ठंड है यहाँ पर एंड टेम्परेचर हो रहा है -3-4 हो रहा है। लिटरली रात को ना 2 रजाई डाली जब जाके आराम मिला मेरे को, इतनी ठंड थी। तो फिलहाल आज का प्लान है, अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर। हाँ वैसे मैंने वो टाइम नहीं बताया, टाइम हो गया है सुबह सुबह के 7:30। सुबह जल्दी जाने का प्लान था लेकिन भाई ठंड इतनी थी कि नहीं जा पाए, तो अभी जा रहे हैं मंदिर। फिर वहाँ पे जाके अपना थोड़ा बहुत नहाएंगे, फिर अपना दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। और फिलहाल आपको सुबह का दिखाते हुए मंदिर कैसे दिखता है। एंड अभी जो स्नो कवर माउंटेन हो रहे हैं ना भाई, खतरनाक हो रहे हैं, एकदम खतरनाक हो रहे हैं। बाकी भाई मुँह सब फट गया मेरा, क्योंकि मेरे को ये नहीं वो पता था कि मेरे पास मफलर भी है और मैं बिना उसके ही जा रहा था, तो हालत ख़राब हो गई थी बढ़िया वाली। तो दोस्तों ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। और भाई भीड़ देखो, क्या भीड़ हो रही है भाई। फाइनली अपन ने ले लिया है प्रसाद, अब हम जा रहे हैं मंदिर की साइड। और मंदिर दिख गया है मेरे सामने, अब बोलेंगे कम दिखाएंगे ज़्यादा। तो पहले आप कीजिए सबकी चीज़ एंजॉय और आपको दिखाते हैं मंदिर। टाइम हो गया है 9:05 और मैं यहाँ पर आ गया था 7:45 करीब। 8 बजे मंदिर के गेट खुलने थे तो उससे पहले मैं यहाँ पर आ गया था। अब अपन आ गया है नहा धो के रेडी हो गई जो है, अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बाकी जैसा आपको पता है कि आज 6:45 पर कपाट हो रहे हैं बंद, तो यहाँ भीड़ इतनी आ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो रुकने का प्लान है आज, देखते हैं आज क्या होता है आगे। बाकी यार चलते हैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ आपको एक बार, फिर आपको नज़ारे दिखाते हैं आगे भी। और यहाँ की खूबसूरती भाई तो भाई लेवल बहुत ही अलग लेवल की है। फाइनली मैं दर्शन करके नीचे आ गया हूँ और दर्शन हुआ मेरे बहुत ही अमेजिंग। आज इतनी भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे। वरना भाई जब लास्ट टाइम आया था तो 2 किलोमीटर तक लाइन थी, माना तक हमारी लाइन पहुँच गई थी, बट फिलहाल भाई आज दर्शन बहुत प्यारे हुए, सब चीज़ बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ पे। फिलहाल अभी का प्लान ये है, अभी जाता हूँ मैं होटल, जाता हूँ देखता हूँ होटल का क्या सीन बैठता है, क्योंकि फिर आगे जब जैसे भी मुझे कंटिन्यू करना होगा तो मैं वहाँ स्टे करूँगा या फिर कोई दूसरा एक होटल देखूँगा। फिलहाल अभी तो भाई एंजॉय करते हैं यहाँ का वेदर और अलकनंदा नदी जी के पास बैठते हैं। सो गाइस ऑल सेट टू गो, चलते हैं फिलहाल अब माना की साइड। तो यहाँ की करवाते हैं आपको आज नज़ारे एंजॉय, क्योंकि ये जो वैली है भाई बहुत ही अमेजिंग वैली है। जैसा आपको दिख रहा होगा हर जगह ये एक प्यारे प्यारे पहाड़ है। तो फिलहाल भाई मेरे सामने है इंडिया का लास्ट विलेज जो है माना, इसके बाद हमारा तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। किसी भाई को पकड़ते हैं जो हमारी फ़ोटो खींच सके, क्योंकि भाई सोलो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको किसी का इंतज़ार करना पड़ता है। एक फ़ोटो खींच सके भाई, ये 5 सेकंड की क्लिप के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं।
मज़ा भी भाई हमें इस चीज़ में आता है। Five minutes later. तो ये है जी सामने माना गांव। यार फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया है माना गांव का ट्रैक। अभी मैं मार्केट से बाहर निकल के आया हूँ और अभी 400-500 मीटर रहता है, फिर आएगा हमारा एक हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान, तो एक बार चलते हैं, मिलते हैं फिर आगे आपको ऊपर। ठीक है यार, एक चीज़ हो रहा है कि पूरा गांव खाली हो गया है, क्योंकि आज बद्रीनाथ जी के आज कपाट हो रहे हैं बंद, तो भाई पूरा गांव खाली कर दिया है। मतलब माना गांव से भी लोग बाग जा रहे हैं, ताला लग गया है यहाँ पे भी घरों में। तो भाई वैसे देखो यार, जब लास्ट टाइम आया था तो यार इतना कुछ यहाँ पे नहीं था, बट पहले के टाइम में और अब में तो यार बहुत अंतर आ गया है। यहाँ पे घर बहुत बन गए हैं, पहले यार थोड़े बहुत थे घर, उसमें एक काम चलता था, बट भाई सही है। चला अब आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, इतनी भीड़ बद्रीनाथ जी में थी जितनी भीड़ आ रही है माना गाँव में, पता नहीं क्यों आ रही है इतनी भीड़, बहुत भीड़ है। लेकिन ऊपर यार बाहर जैसे मैंने आपको दिखाया था, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और तो जी ये आ गया हमारा एक गेट, और यहाँ पे देख ली क्या लिखा है, भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। भाई तो हमें जाना है भाई इस साइड को, क्योंकि भाई हमें भी जाना है चाय पीने। देखो भाई क्यों अमेजिंग व्यू आ रहा है भाई, तो नीचे देखो अलकनंदा नदी हमारी। लो जी लो हमें दिख गई वो चाय की दुकान, तो वो रही भाई सामने इंडिया की लास्ट चाय की दुकान, और जो वो आप ट्रैक देख रहे हो ना वो जा रहा है आपका वासुधारा। लो जी पहुंच गए, ओए होए होए होए, तो ये सामने आज हमारा सरस्वती जी का मंदिर। सामने से हमारा है वासुधारा जी का ट्रैक, जो कि 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो भाई अभी हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम 5 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं, क्योंकि हमें रात हो जाएगी पहुंचने में, तो भाई इतना रिस्क नहीं लेते हैं। एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ भीम पुल, और तो भाई अपन जा रहे हैं भीमशिला की साइड, वैसे रास्ते तो है नहीं, बट कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे पहुँच जाएँ।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, मेरे पास है हेलमेट और मेरे को कैमरा कैरी भी करना पड़ रहा है बार बार। ओए होए, भाई ये कुछ ऐसा ट्रैक है यहाँ का, ट्रैक नहीं है, थोड़ा सा रास्ता है यहाँ का ऐसा। मेरी जान ये वो भाई सही है यार। बाकी भाई चाय की दुकान हो चुकी है बंद, वहाँ पे चाय नहीं थी। बाकी भाई चाय वहाँ पे नहीं मिली है, मैंने पूछा था तो भाई कोई दिक्कत नहीं, चाय का प्लान तो हमारा गया कैंसिल हो गया। बाकी हमारा भीमशिला देखने का बहुत मन था तो आज मैंने भीमशिला भी देख लिया है। एग्जैक्टली यार पीछे मेरे ना सरस्वती जी का मंदिर है, मंदिर भी बंद कर दिया। नीचे नीचे है ना भीम पुल, तो आपका ये हो गया देखने का और मजा उधर से है। भैया नीचे कुछ है क्या? नीचे तो कुछ नहीं है, ये सरस्वती नदी बह रही है यहाँ से 5 किलोमीटर आगे। क्या कौन सा धारा? वो तो ऊपर है ना। हाँ फिर उसके आगे 22 किलोमीटर आगे संतोपंत। लेकिन जाने का, जाने के लिए पैदल ही जाना है। 10 बजे निकले हैं अभी, रिटर्न हो रहे हैं। 22 किलोमीटर आगे क्या बोलिए? संतोपंत। वो भी गए आप लोग? नहीं वहाँ नहीं, वहाँ हिम्मत चले उधर रहने वहाँ पे जाकर 10 बजे वो निकले थे वहाँ से, यहाँ से निकले थे 15-10 बजे सुबह। ओके अगर टाइम हो गया रहने का जगह है? नहीं नहीं कुछ नहीं, ये आखिरी है बस, पानी का बोतल ले जाना और क्या कहते हैं थैली तब भी ले जाना पानी। भैया हाइट कैसी है? सही है, ठीक सही है। बर्फ़ है वहाँ पर पूरी। बर्फ़ है मैम, चलते हैं। हाँ बस बर्फ है। हाँ बहुत बर्फ है। हाँ बर्फ है। हाँ तो चलो चलो जाके थकान खत्म खत्म सुंदर खत्म खत्म गाली 5 मिनट चलते हैं। कुछ भी तो लेके जाना पड़ेगा। क्या कुछ लेके जाना पड़ेगा? पानी का बोतल, पानी का बोतल लेके जाएगा। अकेले में चलो बहुत दिक्कत होती थी लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। हो जाएगा इसलिए हो जाएगा, वापस आ जाएंगे ना। 2-3 घंटे तो चल सकते हैं हम। सीधा सीधा चलना है कि कैसे? ओ भाई साहब सीधा सीधा चलना है कि ऐसे ऐसे? सीधा ही रास्ता है, चढ़ाई है बहुत चढ़ाई, हल्की सी है चढ़ाई, ज्यादा नहीं होगी। बहुत चालू है ये इंसान, धीरे धीरे चल के जाएंगे। हाँ आराम से देर हो जाएगा ना। उसने सुबह स्टार्ट करना चाहिए था, जैसे वो बोल रहे थे 10 बजे स्टार्ट किया था उन्होंने। अभी टाइम क्या हो रहा है? 3 ना? नहीं फिर नहीं हो पाएगा। नहीं 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 10:30 हाँ यहाँ 5:30 होता है यहाँ पे। बाद में इतना बुरा हाल हो जाएगा, बहुत ठंड हो जाएगा, सिर्फ धूप के सहारे बस। और ये सारा खाली हो गया वो देखो, एक एक वो जो प्रजाई ना वो माना माना अलाउ नहीं होता किसी को भी पास। आर्मी वालों के लिए वो चाहिए होता है? नहीं उसका वो बनता है हम उतर रहे हैं माना से नीचे और हमने देख लिया है भीमशिला। हम अभी ऊपर देख के आए थे भीमशिला और जो अलकनंदा जो नदी थी भाई ना वो कैसे आ रही थी और सरस्वती नदी कैसे आ रही थी वो सब हमने कवर कर लिया है। वो शायद आपने ब्लॉग में देख भी लिया होगा। कल नेक्स्ट जो ब्लॉग होने वाला है उसमें मैं दिखाऊंगा कि डोली जो होती है बद्रीनाथ जी की वो कैसे जाती है, कपाट कैसे बंद होते हैं। तो यार फिलहाल अभी जा रहे हैं होटल की साइड, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि 6:45 पे कपाट हो रहे हैं बंद। वो भाई वो आरती अटेंड करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए वो आरती अटेंड करनी है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय।